बच्चा पाड़ी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्सेलरेट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड जैसे कि सबको लग रहा है कि यार मैम फन कर रही हैं, ऑब्वियसली संडे है मींस वनडे है, बट यार मैम फन के साथ साथ में बच्चों को कैसे भूल सकती है। जैसे अरमान को देख के मुझे गाना याद आया, जहाँ भी मैं जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल। दिल में अरमान नहीं समाता है, दिल में समाते हैं मेरे बच्चे। एंड आप लोगों के लिए बेटा बिल्कुल लाइट मूड से एकदम स्टार्ट करते हुए बहुत सारी मेहनत करने के लिए हम लेके आए हैं जबरदस्ती स्ट्रैटेजी। जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया है कि यार बैच में क्या होने वाला है, तो उसी चीज के लिए आज हम यहाँ आए हैं विद वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इनसे मिलने के लिए। आई हैव विद मी अनुष्का मैम, हाय मैम, एंड ऑल्सो आई हैव विद मी यशिका मैम। यस बच्चा पाड़ी, तो यार देखो मैम, अनुष्का मैम, मैम मेरी तो एक ही स्ट्रैटेजी है मैम। देखो अरमान के लिए भी मैंने गाना गा दिया, तो बच्चों के लिए भी मेरी एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे ही कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो मैम चुपके से सुना देती है एक सुरीला सा गाना, सेशन बन जाता है सुरीला, माहौल सेट हो जाता है, बच्चे जैसी चैट में लिखते हैं समाप्ति मैम ओपी, और उसी आर में मैम जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है मैम चुपके से पढ़ा देती है। तो दैट्स माई स्ट्रैटेजी फॉर एवर, कॉपी पेस्ट ऑलवेज। तो मैम आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है या हम कुछ क्या अलग करने वाले हैं इस बैच में, प्लीज मैम बच्चों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल मैम, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हो। जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि आप गाना गा देंगी तो मैं ऐसे करूंगी, डांस कर दूंगी। मेरे बच्चों ने एक क्वेश्चन सही किया, एक डांस मूव। तो यार मैम यानी कि बैच में होने वाला है डबल धमाका, और डबल क्यों मैम, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने धमाके, कितनी सारी चीजें आपको मिलने वाले मैम। वेरी वेरी एक्साइटेड मैम। यस मैम, सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस बार का बैच हर बार के हर पीडब्ल्यू के बैच से डिफरेंट है। अब पूछो कैसे मैम, मैं बताती हूँ ना, क्योंकि हम लोग हैं मैम बैच में, व्हेन वी आर हियर सो व्हाट टू फियर, राइट मैम। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बड़ी डिफरेंट चीज है जो इस बैच में है और कोई पीडब्ल्यू के बैच में नहीं थी, दैट इज योर लाइव डाउट सेशंस। एग्जैक्टली। तो मैम अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से कंपेयर करें तो 12th की बात करूँ तो मैं बड़ी स्टूडियस स्टूडेंट थी, ऐसे टीचर पपेट होता है ना, टीचर वही थी मैं। तो अब मैं उस टाइम पे क्या करती थी यार, प्रैक्टिस तो पढ़ तो लेती थी लेकिन प्रैक्टिस की कमी रहती थी, लिखूं कैसे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो हम आपके लिए लाए हैं, बच्चों का भी डब्बा गोल रहता है। एग्जैक्टली मैम, तो इसीलिए हम सब्जेक्टिव टेस्ट आपके लिए ला रहे हैं। बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि लिखना कैसे है, एंड नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट होता है, डाउट डिस्कशन, तो वो इनको मिल रही है। नेक्स्ट क्या है मैम, डाउट्स कैसे अलग होने वाले इस बार मैम, बताया ना लाइव डाउट डिस्कशन होने वाला है, तो यही तो चाहिए स्टूडेंट्स को, और क्या चाहिए। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो ना आप लोग, इतने कि खुद बोलोगे कि मैम बस करो अब और नहीं हो पाएगा। तो ये सब हम करने वाले हैं। एंड मैम मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में तो बता दिया, यशिका मैम आप बताइए थोड़ा बहुत। मैम मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आपको क्यों मैम, मैं बच्चों को बताना चाहूंगी। बच्चों स्कूल लाइफ में मेरे पिताश्री मेरे स्कूल में ही थे, तो मैम स्कूल में थे मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीचर। यस मैम, ही इज अ वाइस प्रिंसिपल टिल नाउ। मैम ये तो बड़ी कोइंसिडेंस की बात हो गई, मेरे पापा भी थे। Jealous of the kids जिसके parents जो है ना teachers होते थे, क्योंकि उनको इतने सारे benefits मिलते थे मैम। मैंने बहुत benefits उठाए हैं, किसी भी senior के पास भी चले जाऊँ ना तो भी मुझे importance मिलती थी, क्योंकि मैं teacher की बेटी हूँ यार। यार मैम यशिका मैम आपको क्या क्या फायदे मिले मैम बताओ। मैम फायदे तो obviously होते हैं क्योंकि पता होता है टीचर की बेटी है, नॉट टू वाइस प्रिंसिपल, तो ज्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है। बट यस मैम अपने पापा से सीखा बहुत है। और बच्चों एक और चीज, मेरे पापा बायोलॉजी के ही टीचर थे, एंड आपको पता है जैसे बायोलॉजी मैम, बायोलॉजी टीचर्स तो ऑसम होते हैं, ऑसम। यस मैम ओपी। सो यस बच्चों मुझे बायोलॉजी में बहुत कुछ सीखने को मिला है, उन्होंने ही मुझे बताया एक्चुअली बच्चों कि पेपर को लिखा कैसे जाता है, एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बाय गॉड ग्रेस। सो मैम गॉड ग्रेस से कुछ नहीं होता है बच्चा बाड़ी, ग्रेस तो तुम्हारा ही होना चाहिए वरना। सो यस बच्चों मेहनत करनी है और हम आपको सिखाएंगे कि लिखना कैसे, सारी बातें मैम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो मैम बहुत स्मार्ट है, मैम सारी बातें यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करेंगी। बैच स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक बायो में मैम ही शुरुआत करने वाली है, तो यार थोड़ा वेट कर लो, वहाँ पे मैम आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली है कि पेपर कैसे लिखना है। और मैम जब पेपर लिखने की बात हुई तो क्या आप भी वैसे बच्चों में से थी जो बहुत सुंदर से पेपर को सजा सजा के लिखते थे, बताया ना मैम।
टीचर्स फेवरेट तो करूंगी क्या, वही प्रॉपर मार्जिन्स लगाना, अलग अलग कलर्ड पेन से लिखना, बस यही सब करके तो मैंने मार्क्स लिए हैं। मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, बच्चों को पता नहीं होता है कि एवरी सिंगल थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड हम आपको यही बताने वाले हैं बच्चों की बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हैं और जो आपको ध्यान रखना है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग वेरी गुड मार्क्स। ऑफ कोर्स जैसे कि हम सारे बहुत कैजुअली कॉफी पी रहे हैं, कॉफी तो नहीं पी रहे मैम, शेक्स पी रहे हैं, राइट, चीयर्स चीयर्स। तो यार जैसे कि हम कैजुअली बैठे हुए हैं, बट यार वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर यू, राइट मैम। तो यार बच्चों सीट की पेटियां बांध ली जाए क्योंकि बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू यू नो सी यू गाइज एंड टेक योर लाइव क्लासेस, राइट। तो मैम एंड करते हुए सेशन को, बहुत ही छोटू सा सेशन, आई होप यू गाइज विल बी हैविंग गेटिंग सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस। सो अलग सर की स्टाइल में एंड करते हुए थोड़े थोड़े पास आ जाते हैं मैम, राइट, यस, थोड़े थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो अलग सर की स्टाइल में बच्चा बाड़ी एंड करते हुए पढ़ाई करते रहें ऑल वी।